इधर लखनऊ के कुकरेल नदी के किनारे कुछ महीनों पहले जहां अकबरपुर बस्ती बसी थी, वहां 15 एकड़ का सौमित्र पार्क बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने यहां पौधारोपण अभियान की शुरुआत कर दी है। कुकरेल नदी के किनारे उत्तर प्रदेश सरकार नाइट सफारी को भी विकसित करेगी। अकबर नगर में अवैध कब्जे थे, इन जमीन को मुक्त कराया गया और 25 एकड़ भूमि पर अब वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसमें 32 प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज से 50 साल पहले यहां नदी हुआ करती थी, जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि अकबर नगर को भगवान राम के छोटे भाई के नाम पर डेवलप करेंगे। सौमित्र वन के नाम पर इसका विकास हो रहा है। कुकरेल नदी जो कभी एक नदी हुआ करती थी, आज से 50 साल पहले कुकरेल से एक नदी निकलती हुई गोमती नदी में मिलती थी, लेकिन 84 के बाद इस पूरी नदी को अपने स्वार्थ के लिए भूमाफियाओं ने पाटना प्रारंभ किया और परिणाम क्या हुआ, जो कभी नदी थी वह फिर नाला बन गया और फिर वह उन बस्तियों के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बन गया। उसने एक नदी को तो मारा ही मारा, लेकिन साथ साथ गोमती नदी को भी प्रदूषित करने का काम किया। जिस नदी संस्कृति के ऊपर मानवीय सभ्यता बसी हुई है, उसको नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गोमती नदी लखनऊ में आकर के कितनी काली हो गई है, किस प्रकार की स्थिति को पहुंच चुकी है। साइट है ये अकबर नगर, जो अब इस तरह से वन क्षेत्र में तब्दील होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भागीरथी कदम के बाद, यानी कुकरेल नाले को नदी में परिवर्तित करने के कदम के बाद, जिसे यहाँ पर लोगों ने अवैध कब्जा कर यहाँ पर रिहाइश और बसाइश के बाद यहाँ इस नदी को नाले में तब्दील कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाया, लंबी लड़ाई ली, ना सिर्फ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई चलती रही और उसके बाद आज ये दिन हम देख रहे हैं जब ये पूरी तरह वन क्षेत्र के रूप में डेवलप होता नजर आ रहा है। कुकरेल नदी में नाव चलती नजर आ रही है, कुकरेल को फिर से नदी की तरह संरक्षित किया जा रहा है और उसके किनारे को उसी तरह डेवलप किया जा रहा है जिस तरह किसी नदी का खूबसूरत किनारा होना चाहिए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पेड़ लगाकर शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में प्रधानमंत्री की योजना के, प्रधानमंत्री के एक पेड़ माँ के नाम की योजना के तहत इसकी शुरुआत हो रही है और पूरे प्रदेश भर में आज जब यहाँ मुख्यमंत्री पेड़ लगाते नजर आएंगे तो उसके बाद सभी जगह इसी तरह वृक्षारोपण कार्यक्रम होते नजर आएंगे। कैमरामैन अर्शद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।